की कसम आज गमगी हैं हम आगे। दोस्तों, साल 1953 में फुटपाथ फिल्म की तलत महमूद की आवाज और धीमी लय के म्यूजिक वाली ये गजल जब सामने आई तो लोग समझ गए कि इंडस्ट्री में एक नए ढंग के संगीतकार की एंट्री हो चुकी है। धीरे धीरे संगीतकार ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। फिर साल 1964 में आई फिल्म शगुन के इस गाने की म्यूजिक ने फिर धूम मचा दी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। साल 1966 में आखिरी खत के इस गाने के संगीत ने इस संगीतकार को पहली लाइन में पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक आप इस संगीतकार को पहचान गए होंगे। जी हां, सही पहचाना, यह है मशहूर संगीतकार खय्याम। दोस्तों नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं सिने फंडा विद अलीम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर संगीतकार खय्याम की, जो इंडस्ट्री में आए तो थे हीरो बनने, लेकिन बन गए संगीतकार। दोस्तों खय्याम का असली नाम मोहम्मद जहूर हाशमी था। खय्याम साहब 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जिला जालंधर के राहौन कस्बे में पैदा हुए थे। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, लिहाजा जब भी छुट्टी मिलती तो घर से फिल्म देखने भाग जाते। केएल सहगल के फैन थे और उन्हीं जैसा बनना चाहते थे। फिल्मों में काम करने की दीवानगी इस कदर कि वो महज 11 साल की उम्र में ही भागकर अपने चचा के पास दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहकर उन्होंने पंडित अमरनाथ और पंडित हंसलाल भगतराम से संगीत की शिक्षा ली। इस दौरान किसी ने उनसे कहा कि फिल्मों में काम करना है तो किसी नामवर को पकड़ो, लिहाजा वे लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने पंजाबी संगीतकार बाबा चिश्ती यानी गुलाम अहमद चिश्ती से संगीत की शिक्षा ली। इसी बीच घर वालों की जिद पर उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली और 1943 में दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 3 साल सेना में नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। शुरुआत में खय्याम ने कई फिल्मों में गाने गाए। साल 1946 में आई फिल्म रसीली में उन्होंने गीता दत्त के साथ 2 गाने गाए, हालांकि ये दोनों गाने उन्होंने शर्मा के नाम से गाए थे। फिल्म का म्यूजिक दिया था पंडित हनुमान प्रसाद ने, लिहाजा उनको कोई पहचान नहीं मिली। एक गाना उन्होंने 1947 में आई रोमियो जूलियट में जोहराबाई अम्बाले वाली के साथ भी गाया था। साल 1948 में उन्हें फिल्म हीर रांझा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में खय्याम ने बेहतरीन संगीत दिया था, लेकिन फिल्म के क्रेडिट रोल में उनका असली नाम नहीं दिया गया था। दरअसल फिल्म का संगीत शर्मा जी वर्मा जी के नाम से दिया गया था। संगीतकार शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी उस वक्त बहुत मकबूल थी, जिसमें शर्मा जी थे खय्याम और वर्मा जी थे रहमान वर्मा। साल 1953 खय्याम साहब की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। दरअसल फिल्म निर्माता चंदूलाल शाह फिल्म फुटपाथ बना रहे थे। नरगिस की मां जद्दनबाई ने चंदूलाल शाह की मुलाकात खय्याम से कराई और अपनी फिल्म का म्यूजिक खय्याम से कराने को कहा। फिल्म के लेखक जिया सरहदी ने खय्याम को सलाह दी कि वे शर्मा जी का नाम छोड़कर अपने नाम के खय्याम तखल्लुस से म्यूजिक दें, और फिर खय्याम ने 1953 में फुटपाथ फिल्म में अपने असली नाम खय्याम से म्यूजिक दिया। यह फिल्म हिट हुई और फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट हुआ। फिल्म में तलत महमूद का गाया खय्याम के म्यूजिक से लबरेज दिलीप कुमार पर फिल्माया गया गाना जबरदस्त हिट हुआ। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम। फिर क्या, खय्याम हिट हो गए। उसके बाद तो खय्याम ने एक एक करके कई हिट म्यूजिक दिए। साल 1960 में आई राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी का म्यूजिक भी उस वक्त बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया। उसके बाद तो एक एक करके तमाम फिल्मों को अपने खास अंदाज के म्यूजिक से हिट करा दिया। साल 61 में फिल्म शोला और शबनम के कैफी आजमी के लिखे और जगजीत कौर के गाए गाने को भला कौन भूल सकता है। साल 64 में आई फिल्म शगुन की खय्याम द्वारा दी गई उस म्यूजिक ने धमाल मचा दिया था, जिसे गाया था रफी साहब और सुमन कल्याणपुर ने। अपने
अगले साल 65 में ही अख्तर मिर्जा की फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं के मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गाने ने भी कमाल कर दिया था। इसे भी रफी साहब और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाएगा। साल 66 में आई चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत जबरदस्त हिट हुई। इसके कैफी आजमी के लिखे लता जी की आवाज के गाने को खय्याम की धुनों ने बुलंदी पर पहुंचा दिया था। उसके बाद तकरीबन 10 सालों तक खय्याम की म्यूजिक ने कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन साल 76 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में खय्याम का जादू एक बार फिर लौटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। 77 में शंकर हुसैन फिल्म का लता की खनकती आवाज और खय्याम की स्लो म्यूजिक वाला नगमा आज भी खूब गुनगुनाया जाता है। साल 78 में फिर अमिताभ अभिनीत फिल्म त्रिशूल को खय्याम साहब ने अपने म्यूजिक के जादू से हिट करा दिया। उन्यासी में आई फिल्म चंबल की कसम के साहिर लुधियानवी के लिखे रफी और लता के गाए इस गाने ने भी खूब कामयाबी हासिल की थी। इसी साल खय्याम साहब की दो और फिल्मों खानदान और नूरी ने कमाल कर दिया। इनके गानों की म्यूजिक ने इन फिल्मों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये मुलाकात एक बहाना है। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा। अगले साल 80 में आई राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के किशोर कुमार के गाए और गुलजार के लिखे गाने को खय्याम की म्यूजिक ने आसमान पर पहुंचा दिया था। आँखों में हमने आपके सपने सजाए। इसी साल आहिस्ता आहिस्ता के नगमे की क्या बात थी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। 1981 में आई दर्द फिल्म के लता मंगेशकर की आवाज वाले नगमे ने भी खूब धूम मचाई थी। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया खिला गुलाब की। इसी साल यानी 1981 में आई फिल्म उमराव जान ने तो रिकॉर्ड ही बना डाला। इसके हर नगमे आज भी लोगों की जुबान पर। साल 83 में आई रजिया सुल्तान के नगमे भी सुपर। आपका साथ साथ फूलों का हे दिले नाना, हे दिले नाना। खय्याम साहब को उनकी बेहतरीन म्यूजिक के लिए कई अवार्ड्स मिले, यहां तक कि भारत सरकार ने उन्हें साल 2011 में पद्म भूषण के एजाज से नवाजा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज का सफर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई थीम के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।